नमस्कार बच्चों, जय हिंद। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चलते हैं अपने इस पांचवें काव्यांश की तरफ। आप देखिए, तो हमने कल आपको बता दिया था, तो अब चलते हैं। क्या कहते हैं आगे, परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। तो देखिए, तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवा दी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यहु मर निहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देह छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत यही काटे कुठारे कठोरे, गुरिन उरिन होते उश्रम थोरे। गादि सुनू कहे हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ। हाँ अयमे अखाण रऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो विद होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो चलते हैं, इस का अर्थ करते हैं। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बोलावा। लक्ष्मण ने निर्भीकता पूर्वक परशुराम से कहा कि आप तो मानो काल को हाक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। बार बार मोहि लागे बोलावा, जैसे काल आपके ही वश में हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटवा दी बालक बध जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। अर्थात इसका वध किए जाने के ही योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बांचा, अब येहु मरनिहार भा साचा। अर्थात ये इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहिन साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, परशुराम जी के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। तो परशुराम जी बोले, खर कोठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो वो कहते हैं कि तीखी धार का कुठार, तीखी धार का कुठार, और मैं दया रहित व क्रोधी हूं, और यह गुरुद्रोही और अपराधी है, मेरे सामने उत्तर दे रहा है। ठीक है ना। इतने पर भी उतर देह छोड़ो बिनु मारे, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। बालकों अर्थात
इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, कौशिक माने विश्वामित्र, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र, हैं? केवल तुम्हारे प्रेम से, हे विश्वामित्र, मैं इसे छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे प्रेम की वजह से। नहीं तो नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उर्ण हो जाता। गुरिन उर्ण होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसे, मुनि हरि अरे सूझ, अय मैं खान न ऊख में अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र हैं, गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये इतने अहंकार में है कि इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है, अर्थात श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई लोहमयी खड़ग है, हैं? किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई लोहमयी खड़ग है, ऊख की अर्थात गन्ने की, ऊख माने ईख माने गन्ना, से बनी हुई नहीं है, जो खांड जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। तो आगे देखिए इसकी रचना, अवधि भाषा की छटा देखने को मिलती है रचना में। चौपाई तथा दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। कथात्मक तथा संवादात्मक शैलियों का सामंजस्य देखने को मिलता है। काल को हांककर बुलाने जैसे वाक्य में व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम की खिल्ली उड़ाई गई है। भाषा सरल, प्रवाह में पात्रानुकूलता संबंधी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो चलते हैं अब आगे। ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से देखिए। आगे से यहां से देखते रहिए आप। ये आपका छठवां है, ठीक है ना बेटे? कहियु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहियु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ु जी के। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आन्य व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भ्रगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचों नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहूति सरिस, भ्रगुबर को पुक्रसानु सियराम। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो विद होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो चलते हैं बच्चों, अब हम आपके समक्ष इस लास्ट वाले काव्यांश का अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो आप ध्यान से
देखें।